சர்வாங்சாட்டி போன் ஃபேஷன் மால் சர்வ வயோகட்டத்தில் அபவாதாத்மக் ஸ்ரேனி விஸ்திருத் வெரைட்டி ஸ்ரீ வரசித்தி ஷாப்பிங் மால் சினி தாரகா ரிங்கு ராஜ் குரு சேவத் 18 அக்டோபர் ரோஜி சுபாரம் ஸ்ரீ வரசித்தி ஷாப்பிங் மால் அப்பல்யா சந்திரபூர் மதே ஸ்ரீ வரசித்தி ஷாப்பிங் மால் வெட்டிங் கலெக்ஷன்ஸ் பிரைடல் லெஹெங்காஸ் சாரீஸ் சுடிதார் ட்ரெஸ் மெட்டீரியல்ஸ் வெஸ்டர்ன் வேர் கிட்ஸ் வேர் மென்ஸ் வேர் 18 अक्टूबर रोजी महाशुभारंभ श्री वर सिद्धि शॉपिंग मॉल कस्तूरबा रोड चंद्रपुर महाराष्ट्र। आप देख रहे हैं पार्थेश्वर समाचार सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर वरोरा विभाग अंतर्गत 7 मार्च 2022 के बाद भूख बटेदार 2-1 में 20 जमीन का रूपांतरण किया गया है, लेकिन इसमें से 7 मामले की अधिमूल्य की राशि चालान के माध्यम से सरकारी खाते में जमा नहीं की गई है और एक मामले में निर्धारित मूल्य 26,73,250 रुपये होने के बावजूद 13,36,625 रुपये आवेदक से भराए गए हैं जो बाजार मूल्य से कम है। इसलिए उक्त मामलों में 3 दिनों में अपना पक्ष रखने के आदेश जिलाधीश विनय गौड़ा ने वरोड़ा के SDO को दिए, लेकिन आज 1 महीने बाद भी कोई जवाब नहीं दिया, इसलिए जिलाधीश के नोटिस की अवहेलना करने वाले SDO के खिलाफ कार्यवाही की मांग जय भीम युवा सेना सामाजिक संगठन के संस्थापक अध्यक्ष शुभम गवली और पूर्व सैनिक सागर कौले ने पत्र परिषद में की है। जिलाधीश विनय गौड़ ने 13 दिसंबर 2022 को कारण बताओ नोटिस दिया है। नोटिस देकर 3 दिनों तक जवाब मांगा था। जवाब न दिए जाने पर महाराष्ट्र नगरी सेवा अनुशासन उल्लंघन नियम 1979 की धारा 3 के तहत कार्यवाही की चेतावनी दी थी। नोटिस में जिलाधीश ने इसके पूर्व भी SDO सुभाष टंडे को 7 मार्च के बाद भोग बटदार 1 में की गई जमीन के आदेश प्रतिलिप और भरे गए चालान के माध्यम से सरकार के खाते में जमा किए गए राजस्व की जानकारी मांगी थी, लेकिन आज तक 20 में से 7 मामलों की कोई जानकारी नहीं दी गई है। जय भीम सर्वांना, मी शुभम गवई, जय भीम युवा सेना सामाजिक संघटना याचे संस्थापक आणि राष्ट्रीय अध्यक्ष। मी माननीय जिल्हा अधिकारी साहेब यांना 16 जानेवारी 2023ला मी निवेदन दिले होते आणि निवेदन याच्यासाठी दिले आहे का जे आमचे वरोड्याचे उपविभागीय अधिकारी आहे सुभाष शिंदे साहेब यांच्यावर निलंबनाची कारवाई झालीच पाहिजे, कारण की त्यांनी भोगवटदार वर्ग 2 मधून भोगवटदार वर्ग 1 मध्ये रूपांतर करण्यात आलेल्या जमिनीच्या प्रकरणाबाबत कारवाई करण्याबाबत याचं निवेदन देण्यात आलं आणि त्यांनी म्हणजे कितीतरी सात प्रकरणाचे पैशांचा घापला केलेला आहे। हे कलेक्टरच्या कारण दाखवा नोटीस आहे कलेक्टर साहेबांनी दिलं होतं। जो चालन भरना पड़ता वो चालन नहीं भरा है ना सर, वो प्रेस नोट में लिखा है सर, और जो कलेक्टर ने ऑर्डर दिया है वो कलेक्टर साहब ने जो कारण नोटिस दिया है वो नोटिस उसके लिए दिया है कि 3 दिन में उसका रिजल्ट हो। अभी तक रिजल्ट दिया है नहीं दिया ये किसी को पता नहीं, कलेक्टर साहब ने भी पब्लिक के सामने फेस नहीं किया है। गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रपुर में 1 सप्ताह के FDP कार्यक्रम का भव्य उद्घाटन किया गया। ये कार्यक्रम सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज चंद्रपुर तकनीकी शिक्षा निदेशालय मुंबई द्वारा प्रायोजित है और टाटा टेक्नोलॉजी की CIIT तकनीकी प्रशिक्षण शाखा के सहयोग से आयोजित है। 16 जनवरी 2023 से 20 जनवरी 2023 तक सप्ताह भर चलने वाली इसमें ऑटोनॉमस कार, कनेक्टेड कार और इलेक्ट्रिक वाहनों पर एक फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम आयोजित किया गया है। मुख्य अतिथि की टाटा टेक्नोलॉजी पुणे के पुष्कराज कोलगुड ग्लोबल डायरेक्टर इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स और सॉफ्टवेयर सिस्टम, जबकि डॉक्टर सुधीर अकोज बार प्रिंसिपल गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग चंद्रपुर कार्यक्रम के अध्यक्ष थे। कार्यक्रम का उद्देश्य बताते हुए डॉक्टर प्रशांत वाशिमकर ने शुरुआत की। संयोजक डॉक्टर गणेश चौहान ने अपने भाषण के माध्यम से FDP के इस विषय के महत्व को समझाया। अभी तक टाटा के CIIIT सेंटर द्वारा छात्रों को प्रशिक्षित किया जा रहा था, छात्रों के साथ साथ
इंजीनियरिंग फैकल्टी को भी CIIIT द्वारा प्रशिक्षित किया जाता था। उन्होंने कहा कि ये FDP की अद्यतन प्रयोगशालाओं के माध्यम से प्रशिक्षण का लाभ प्राप्त करने के नए इरादे से आयोजित किया गया था। अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर सुधीर अकोजवार ने सर्वप्रथम इस FDP में भाग लेने वाले सभी शिक्षकों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम के लिए और इससे पहले भी FDP को स्पॉन्सर करने के लिए उन्होंने निदेशक डॉक्टर अभय वाद्य तकनीकी शिक्षा निदेशालय मुंबई और डॉक्टर मनोज डायगवाने संयुक्त निदेशक प्राविधिक शिक्षा विभागीय कार्यालय नागपुर का धन्यवाद किया। विधान परिषद की नासिक विभाग स्नातक सीट पर शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार शुभांगी पाटिल को अब कांग्रेस और राकापा का भी समर्थन मिल गया है। वहीं इस सीट पर कांग्रेस से बगावत कर चुनाव लड़ रहे निर्दलीय उम्मीदवार सत्यजीत तांबे को पार्टी ने 6 साल के लिए निलंबित कर दिया है। ऐसे हालात में नासिक सीट पर शुभांगी और तांबे के बीच सीधी टक्कर होगी। तांबे को भाजपा का समर्थन मिल सकता है। विधान परिषद में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे के सरकारी आवास पर गुरुवार को 5 सीटों पर होने वाले चुनाव को लेकर महाविकास अघाड़ी के तीनों दलों की बैठक हुई। इसके बाद कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष नाना पटोले ने विधान परिषद के 3 शिक्षक और 2 स्नातक सीटों के लिए अघाड़ी के अधिकृत उम्मीदवारों की घोषणा की। आपको बता दें कि विधान परिषद की 5 सीटों के लिए 30 जनवरी को मतदान होगा। मतगणना 2 फरवरी को होगी। पटोले ने कहा कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने का ढिंढोरा पीटने वाली भाजपा को नासिक सीट पर उम्मीदवारी भी नहीं मिल पाई। सत्यजीत किसका समर्थन लेंगे ये उनका मामला है। नासिक की स्नातक सीट 3 बार से कांग्रेस जीत रही है। हमें विश्वास है कि इस बार शुभांगी को मतदाताओं का समर्थन मिलेगा। कांग्रेस विधायक दल के नेता और सत्यजीत के मामा बाला साहब थोरात शुभांगी के लिए ही प्रचार करेंगे। आगे पटोले ने बताया कि नागपुर शिक्षक सीट पर कांग्रेस समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार सुधाकर आडबाले को राकापा और शिवसेना ने समर्थन दे दिया है। वहीं अमरावती विभाग स्नातक सीट पर कांग्रेस उम्मीदवार धीरज लिंगाडे, औरंगाबाद विभाग शिक्षक सीट पर राकापा उम्मीदवार विक्रम काले, कोकड़ विभाग शिक्षक सीट पर शेतकरी कामगार पक्ष उम्मीदवार बालाराम पाटिल मैदान में है। कांग्रेस 2 जबकि राकापा शिवसेना और शेकाप 1-1 सीट पर चुनाव लड़ रही है। पटोले ने कहा कि नासिक स्नातक सीट पर निर्दलीय चुनाव लड़ रहे सत्यजीत तांबे को 6 साल के लिए कांग्रेस से निलंबित कर दिया गया है।